इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा हम सब देखते हैं कि शाहीन बाग की तर्ज पर हुबली शहर में भी गौस बाग का एहतमाम किया गया है, जहां पर सैकड़ों लोग यहां जमा हैं और वह एहतजाज कर रहे हैं यहां पर बैठकर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अहमद सिराज साहब। हजरत, आप आए थे, आपने तकरीर भी की, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, जो शाहीन बाग की तर्ज पर ये जो गौस बाग किया हुआ है और एक तरह का इनकलाब इस तरफ आता नज़र आ रहा है, इसके बारे में? देखिए, असल में क्या होता है कि ये जो शाहीन बाग के बाद लोगों के अंदर जो स्पिरिट पैदा हुई, तो उसमें हुबली के नौजवानों में भी और यहाँ की औरतों में भी अल्लाह ताला ने वो स्पिरिट पैदा की, और ये तकरीबन जो है उसी तर्ज का एक जो है मुजाहरा है। इसकी असल बुनियादी वजह क्या है कि जब आदमी हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है, मरता क्या न करता वाली कैफियत हो जाती है, तो मजबूर होकर के ये काम किया जाता है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इन एहतजाज पर संजीदगी से गौर करें और जमहूरियत की शान को बरकरार रखते हुए मसाइल को हल करें। 70 साल का आपने भी जिक्र किया कि 70 साल हमने ज़ाया किया, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, असल में क्या है कि ये तो नहीं कह सकते कि 70 साल ज़ाया किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमको कहीं ना कहीं जो है पिछड़े वर्गों को, दलित को, मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को अंधेरे में ज़रूर रखा गया। अगर ये बातें पहले दिन मालूम होती तो शायद इसका विकल्प कुछ तलाश किया जाता और इसका नेमल बदल होता, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। और इस वक्त इन लोगों की वजह से जो हमारे अंदर एकता पैदा हुई है तमाम लोगों में, मुसलमानों के साथ साथ तमाम लोगों में, ये एक बड़ी चीज़ है। अगर हम इसको सब लोग मिलकर पैदा भी करना चाहते तो नहीं हो सकती थी। बहरहाल ये सरकार की इस शरारत की वजह से, अल्लाह ताला की मसलियत भी होती कि हर काम में उसका कोई ना कोई भलाई होती है, तो उन्होंने खैर को छोड़कर शरारत की, लेकिन इसके अंदर एक खैर का पहलू निकला कि पूरे भारतवासी जो है वो एक जगह इकट्ठा हुए और आपस की जो दुश्मनियाँ थी उनको किनारे रख करके भारत की रक्षा करने के लिए सब लोग आगे आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो मेरा अंदाज़ा है कि जो उसने 4 हफ्ते दिया है, बात 4 हफ्ते के बाद वो ये ज़रूर कहेगी, कम से कम, मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कम से कम वो ये करेगी कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। 100 साल उन्होंने अपनी लगाए हैं कि 1925 से लेकर 2025 तक हिंदू राष्ट्र के लिए, अब वो 2025 में अपना हिंदू राष्ट्र करने का उन्होंने तय किया है, वो आया बाय हो कर क्रुक, तो ये क्या मुकम्मल हो सकता? देखें, असल में क्या होता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। ये इनके ख़त्म होने का, हालांकि जिसको इन्होंने समझा था हम अपनी चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, वो चरम सीमा पर पहुंच तो अपने समझ गए थे, लेकिन ये जो इन्होंने किया ना, अब इसकी वजह से इंशाल्लाह इनका कभी ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अहमद सिराज साहब ने बेबाकी के साथ अपने जवाब दिए और कहा कि गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसी तरह से बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये अपने आखिरी इख्तिताम पर हैं और ये जल्द ख़त्म होने वाले। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह मोहतरम जनाब एमएलए साहब, हुबली शहर के नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम कायदीन निज़ाम, हुबली शहर के सामीन, मेरी माओ और बहनों, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे, और चूंकि मैं एक मौलवी हूँ लिहाजा इस पूरे का तजिया जो है वो हर लिहाज से हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, शुरू में तो लोगों ने यह समझा कि ये मामला मुसलमानों का है, लेकिन एक हकीकत है कि ये बात सरकार भी जानती है, जो लोग सत्ता में हैं वो भी जानते हैं कि आखिर ये तमाम के पीछे राज क्या है। हुआ ये है कि सब लोगों को ये बात मालूम हो गई है, गरचे मीडिया ने बड़ा छुपाना चाहा, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात मालूम हो गई है कि इसके पीछे असल बात क्या है। मैं वो आपको असल बात बताता हूँ,
कि असल बात इसके पीछे क्या है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है इसके पीछे राज क्या है, क्यों ऐसा सताया जा रहा है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक किसी मसले में इतने एहतजाज नहीं हुए हैं, इतने मुजाहरे नहीं हुए हैं। कल तक की जो रिपोर्ट है वो 7,900 मुजाहरे हो चुके हैं। 7,900 मुजाहरे अगर किसी भी बात पर हो जाएं तो सरकार को भी जिम्मेदारों को एक मरतबा ज़रूर बैठना चाहिए कि जिसमें वकील भी शामिल हैं, जिसमें हमारे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, आलिम भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं। अगर देश की सही माने में किसी को मोहब्बत है तो एक मरता ज़रूर संजीदगी से बैठना चाहिए। भले आप 100% अपने आप को सही समझते हो फिर भी एक मरता बैठ करके तजिया करना चाहिए। वैसे आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखिएगा, अगर इसी तरीके से एहतजाज जारी रहा तो एक हफ्ते के अंदर इस मसले का हल निकलना है इंशाल्लाह। एक हफ्ते के अंदर अंदर निकलना है। कल से टोन बदले हैं, बातें बदली हैं, जो लीडर्स हैं उनकी जबानों में जो है बॉडी लैंग्वेज से लेकर के लैंग्वेज तक बदली है और इंशाल्लाह ये आपकी जो मेहनतें हैं ये ज़रूर काम आएंगी। असल में क्या है कि देखो, एक बच्चे के बारे में दो औरत ने दावा किया, बड़ा मशहूर वाक्य है। दोनों औरतों ने कहा कि बच्चा हमारा है। जज ने ये फैसला किया, कैसा करते हैं कि दोनों के पास दलाइल बराबर हैं, बच्चे को काट देते हैं, आधा इनको दे देते हैं, आधा इनको दे देते हैं। जो असल माँ थी उसने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें इन्हीं को दे दें लेकिन बच्चे को काटे नहीं। जैसे ही उस माँ ने कहा, जो असली माँ थी उसे हुआ चलो ठीक है बच्चा हमारी गोद में रहे या ना रहे लेकिन कम से कम ऐसा तो जरूर होगा बच्चा जीवित रहेगा, बच्चा जिंदा रहेगा। तो हकीकत क्या है कि जिन लोगों ने उन तोप के मुंह पर बंद करके कुर्बानियां दी है ना, उनको मालूम है कि इस मुल्क तक का दर्द क्या है। जिन लोगों ने इस मुल्क की आजादी में उनकी अंगुली भी नहीं कटी है उनको इस देश से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी उसको होगी जो असली माँ होगी, जिसने इसको पाला और पोषा होगा। मैं बड़े चैलेंज वे में बात करता हूँ कि अशफाकुल्ला साहब को जिस वक्त फांसी दी गई थी उस वक्त अगर अशफाकुल्ला से ये बात कही जाती कि अशफाकुल्ला साहब आप फांसी का फंदा चूमने से पहले इस बात को याद रखें कि एक वक्त आएगा कि आपके वालदेन को और आपके पोतों को नागरिकता साबित करनी होगी, चाहे तो आप अंग्रेजों से समझौता कर लें और चाहे फांसी का फंदा चूम लें। तो अशफाकुल्ला एक मरतबा गौर करते कि करना क्या है। लेकिन उस अशफाकुल्ला से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या कहा था उन्होंने, बस आरजू है इतनी रख दे कोई कफन में खाके वतन जरा। जिस आदमी ने, वो फैजाबाद में फांसी हुई है, मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ, उस फैजाबाद में फांसी हुई है, आज भी वो तख्ता उनकी शहादत की याद दिलाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको देश के बारे में फिक्र है और चिंता है। जो माएं झूठी बनी हुई हैं उनको कहना है कि देश भले बढ़ जाए लेकिन इंसाफ हो जाए, उसको वो इंसाफ कहते हैं। हम कहते हैं कि देश की रक्षा उस वक्त भी की गई थी और आज भी की जाएगी। हमारे उलमाए किराम, मैं बगैर मुबालगा करता हूँ, अगर आप मुझे टाइम दें मैं घंटा भर बात करता हूँ और एक भी मुस्लिम स्कॉलर से बात नहीं करूंगा बल्कि सारे गैर मुस्लिम स्कॉलर बताएंगे कि हिंदुस्तान की आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान रहा है। तो एक वजह यह है कि वो लोग जो इसमें शामिल रहे हैं, अंबेडकर साहब से बताया गया होता है कि तुम्हारे संविधान को जलाया जाएगा और जलाने के बाद अंबेडकर को मुर्दाबाद का नारा लगाया जाएगा, तो हो सकता है अंबेडकर एक मरतबा गौर करते कि देश में रहना है या छोड़ देना है। उस वक्त तो कहा गया, अंबेडकर ने कहा कि हमारा देश है, हम इस धरती से पैदा हुए हैं और इस संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उस संविधान को उनके सामने फाड़ा जाए है? और उनको मुर्दाबाद का नारा लगाया जाए, अंबेडकर अंबेडकर है। तुम्हारे मुर्दाबाद कहने से वो मुर्दाबाद नहीं होता, जिसको दुनिया जिंदाबाद बोलती है वो जिंदाबाद होता है। चंद लोगों के मुर्दाबाद कहने से मुर्दाबाद नहीं होता है, बल्कि जिंदाबाद कहने वाले
دل سے کہتے ہیں مردہ باد کہنے والے منافق ہیں اور اپنے اندر کی ہائپوکریسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ پرابلم کیا ہے۔ پرابلم اصل میں نہ آپ کا آدھار کارڈ ہے، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، پرابلم دو ہے۔ پہلی پرابلم یہ ہے کہ دلتوں کے ساتھ جو آرکشن کا معاملہ کیا جا رہا ہے، پچھڑے ورگوں کے ساتھ، اس کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، جو لوگ یہاں پر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کسی طرح ان کو نمبر دو کا شہری بنایا جائے اور ووٹنگ پاور چھینا جائے۔ یہ ہے اصل دراز۔ اب اس کے لیے آپ جتنی بھی کہانیاں بنا رہے ہیں، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں اب جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ یو آر اے ویری کلیور بٹ ادرس آر ناٹ فول، اس کو نوٹ رکھیں تھاٹ فار ٹوڈے۔ یو آر اے ویری کلیور بٹ ادرس آر ناٹ فول، آپ بہت ہوشیار ہیں لیکن سامنے والا بیوقوف نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری بات، چند باتیں، دو تین باتیں کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ دیکھیں، جب بھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں شرنارتھی کو ناگرکتا دی جائے گی، گھسپیٹھی کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اتنی بڑی پوسٹ پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے لوکتنتر دیش کا ہوم منسٹر ہے، اب تک نہیں بتاتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف شرنارتھی۔ آپ کو معلوم ہے شرنارتھی کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہندی شبد ہے، میں ہندی سے بی اے ہوں، میں ہندی سے بی اے ہوں۔ شرنارتھی کا مطلب یہ ہے کہ جو فورن منسٹر کی پرمیشن لے کر کے داخل ہوا ہے وہ شرنارتھی ہے، اور جو بغیر فورن منسٹر کی پرمیشن سے نکل لیا ہے وہ گھسپیٹھی ہے۔ اب مثال کے طور پر، ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی ذات کا ہے، اس کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، بیچارے کے پاس پیپر نہیں ہے کیونکہ وہ شرارتی ہے ہی نہیں۔ اب شرارتی نہیں ہے اور اس کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ ہر حال میں گھسپیٹھی ہیں۔ آپ کی چاہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کرسچن کو، ان کو، ان کو ناگرکتا، سب جان گئے ہیں کہ شرنارتھی کے معنی کیا ہیں، اسی لیے اس میں سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرنارتھی کی پریبھاشا معلوم ہو گئی ہے۔ گھسپیٹھی ہر وہ شخص ہے جو بغیر اجازت کے چھپ کر داخل ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے جوان بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ان کی بے عزتی نہیں کرتے، ہم ایک آدمی سے کہیں کہ گیٹ مین ہمارے گھر پہ تھا اور چوری ہوئی، بے عزتی کس کی ہو رہی ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ بعد میں آئے گا، پہلے گیٹ مین پکڑا جائے گا کہ گیٹ مین موجود تھا اور اس کے باوجود چوری ہوئی۔ جب آپ گھسپیٹھی کہتے ہیں تو اپنے جوانوں کی بے عزتی کرتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے گھسپیٹھی کیسے ہوئی ہے۔ یہ ان جوانوں کی بے عزتی ہے جو سردیوں میں برف پر کھڑے ہوئے ہیں، ان جوانوں کی بے عزتی ہے جو گولیاں بھی کھا لیتے ہیں اور ان کے گھروں میں ان کی عورتیں اور ان کی مائیں جن کی مانگوں سے سدور نکل جاتا ہے، ان نوجوانوں کی بے عزتی اس انداز میں کی جا رہی ہے، کہا جا رہا لاکھوں گھسپیٹھی ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں امت شاہ جی، میں ہمارے ہوم منسٹر ہیں، کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہتے ہیں بنگال اور آسام کو چھوڑ کر، بنگال اور آسام کو چھوڑ کر تقریباً 35,000 گھسپیٹھی ہیں۔ چلو بڑی اچھی بات ہے، آپ کو بات معلوم ہو گئی۔ میں کہتا ہوں 35,000 کو لائن میں لگا کر کے پیپر مانگ لو، 130 کروڑ کو لائن میں کیوں لگا رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ یا تو یہی کہہ دو کہ بھارت واسیوں، میں نے تمہارے ستانے کا پروگرام بنایا ہے، آپ میں ستاؤں گا، آپ جو کرنا ہے کریں، تو پھر دوسری طریقے سے بات کی جائے۔ لیکن ایک طرف یہ کہی جائے کہ میں کسی کی ناگرکتا چھینوں گا نہیں، بھائی صاحب آپ خدا نہیں ہے کہ کسی ناگرکتا چھین لے، ناگرکتا چھیننا اس سمویدھان میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے کی بات ہے کہ ہم ناگرکتا نہیں چھینیں گے، ناگرکتا آپ چھیننا چاہیں بھی تو بھی نہیں چھین سکتے۔ اور یہ جو پیپر کی باتیں ہوتی ہیں، پی ایم صاحب یا ہمارے ہوم منسٹر صاحب، ایل کے جی سے لے کر کے اور آدھار کارڈ تک اپنے سارے پیپر ایک طرح کے ثابت کر دیں، جو کہیے مجھے سزا دے دیجئے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 1% آدمی نہیں بیٹھا ہے کہ اگر ایل کے جی کے سرٹیفکیٹ میں نام جو لکھا ہے وہی ان کے آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی میں لکھا ہوا ہے۔ پریکٹیکلی باتیں کریں، عوام کو ستانے کے بجائے عوام کے لیے راہیں نکالیں کہ اب ٹھیک ہے، آپ کو ایشور نے 325 بہمت سے لا کر کے بٹھایا، اس لیے نہیں بٹھایا تھا،
इसने नहीं बढ़ाए थे, लेकिन याद रखें कि जब फिरौन पैदा होता है तो इस धरती पर मूसा जरूर पैदा होता है। ऐसा नहीं होता है कि फिरौन अकेले हो और कोई मूसा मौजूद ना हो। फिरौन को जिस वक्त महसूस होता है मैं अकेला हूं, उसी वक्त कुरान कहता है वो उमली लहम इन्ना कैदी मतीन, मैं ढील देता हूं तो बहुत देता हूं, पकड़ता हूं तो बड़ा टाइट जग पकड़ता हूं। शेर है, सुन लीजिए। वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बड़ा बारीक पिसता है। वहां इंसाफ की चक्की बड़ी धीरे से चलती है, लेकिन चक्की के पाटों में बड़ा बारीक पिसता है। ऐसा ना करें, ठीक है आप सत्ता में हैं, ऐसा ना करें कि ये माएं मजबूर हो गई हैं, जो अपने घरों में अपनी इज्जत महफूज रखती थी उनको मजबूर कर दिया तुमने कि वो चौराहे पर निकल आई हैं। आखिर कोई वजह होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो संविधान के रक्षक हैं, वो मैदान पे निकल कर आकर के कह रहे हैं कि ज्यादती हद से ज्यादा हो गई है। अभी दो दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट रिटायर्ड जज बॉम्बे का ऐसे हाथ जोड़ करके विनती करता है कि मैं पीएम साहब से, मैं फॉरेन मिनिस्टर से कहता हूं कि खुदा के वास्ते देश को बचा लीजिए, देश को दोबारा विभाजित होने से बचा लीजिए, देश को जिस तरीके से जो किया जा रहा है इसके नतायज नहीं अच्छे बरामद होंगे। एक आदमी नहीं बोल रहा है, नकारे खुदा कहते हैं आवाम की आवाज को। ये इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी गलत नहीं हो सकती है। बैठकर संजीदगी से इस मसले को हल करें, और हल करने के लिए बहुत से तरकीब हैं। शर्त यह है कि हल करने के लिए बैठें, बात करना चाहें, हल करना चाहें। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जगने वाला अगर सोते की एक्टिंग करता है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। ये बातें आपके सामने रखने चाहते थे, और मैं पूरे भारत की अपनी माँ और बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने हम मर्दों को भी जगाया, वकीलों को भी जगाया, मौलाना को भी जगाया, सबको जगाया। मैं इनसे वादा करता हूं कि हम लोग अब जाग चुके हैं, आप चिंता कम करें, इतना परेशान नहीं हो, हम जाग चुके हैं। ठीक है, हम बेहोशी की हालत में पड़े थे, लेकिन तुमने ऐसा जगाया, ऐसा जगाया कि पूरा भारत जागा, और अब भारत जागा है, लिहाजा इसका मसले का हल इंशाल्लाह जरूर करेगा। मैं फिर भी कहता हूं कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तदबीर है ये, लेकिन अल्लाह से दुआ भी मांगना है। करने वाली जात मालिक की है, सब कुछ जो करता है मालिक करता है, उसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लिहाजा हम दुआ करते हैं, आप सब लोग हमारे साथ दुआ करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका या इलाहिल आलमीन। इस महफिल में जो लोग भी बैठे हुए हैं और इस देश के रक्षक बनकर बैठे हुए हैं, परवरदिगार आलम लोगों को समझ अता फरमा दे, ऐ अल्लाह इस देश की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह इस देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचा ले, ऐ अल्लाह इस देश में खून खराबा होने से बचा ले, ऐ अल्लाह इस देश की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तूने एक मरतबा अंग्रेजों से हमको छुड़ाया था, ऐ परवरदिगार आलम इस वक्त आजादी के नारे इस तरीके से गूंज रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम हमारी आवाजों को सुन ले, ऐ अल्लाह हमारी आवाजों को सुन ले, और हमारी माओ बहनों के सदके और तुफैल में परवरदिगार आलम जिस तरीके से इन्होंने कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले, और हम सब के हाथों को खाली ना वापस फरमा। रब्बना اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رب العالمين।